डिस्काउंट्स के ऊपर, ठीक है, डिस्काउंट्स को जल्दी से डिस्कस करते हैं, डिस्काउंट्स, ठीक है। अब डिस्काउंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक डिस्काउंट हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा टाइप का हमारे पास डिस्काउंट होता है जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। तो ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं जी ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, दो तीन फीचर्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने। पहले तो मैं इसका मकसद लिख देता हूँ, ये दिया क्यों जाता है, गिवन ऑन बल्क परचेजेस, मतलब कि ये ऐसा डिस्काउंट है जो कि बल्क परचेजेस पे दिया जाता है। सही है, मतलब कि इन इजियर टर्म्स ये कि जब भी आप भारी सामान परचेज करते हैं, जब ज़्यादा क्वांटिटी आप परचेज करते हैं, ठीक है, होलसेल में सामान परचेज करते हैं, तब आपको ट्रेड डिस्काउंट दिए जाते हैं, ये इसका मकसद है। ठीक है, अब इसके फीचर्स पे जरा आते हैं। पहला इसका फीचर ये है कि नो डबल एंट्री इज रिक्वायर्ड, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी डबल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ये इसका मतलब है। अब सेकंड देखते हैं, इसके अलावा इसमें ये फीचर है कि ओनली मेक एंट्री विद नेट अमाउंट। अब मैं आपको समझाता हूँ नेट अमाउंट ग्रॉस अमाउंट क्या चीज़ है। अभी हम डिस्काउंट्स करें, इसको आपने सेल्स टैक्स से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब डिस्काउंट्स में यहाँ पे आप गौर से देखें, होता ये है कि जब ग्रॉस अमाउंट एक होती है, ग्रॉस का मतलब है कि जो नॉर्मल प्राइस है एक प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये की एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जब ग्रॉस में से डिस्काउंट माइनस हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी अमाउंट आ जाती है, नेट। इसको मैं बेसिकली कह रहा हूँ नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का दूसरा मतलब ये है कि आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली अमाउंट, ठीक है। तो फर्ज करें कि इस 1,000 पे हमें 10% का डिस्काउंट मिला, तो हम क्या करेंगे, 1,000 में से इसका 10% बनता है 100 ना, तो 100 माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और हमारे पास नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी, 900, 900। तो इसका ये मतलब है कि 1,000 की मेरी नॉर्मल प्राइस थी, उसमें से 100 का डिस्काउंट मिला और नेट प्राइस कितनी है, 900। तो इसका मतलब अब हम डायरेक्ट एंट्री किसकी बनाएंगे, इस अमाउंट की 900 की, हमें कोई डिस्काउंट की अलग से अमाउंट डबल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें ये सेल थी, तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, डेबिट रिसीवेबल, ठीक है, और क्रेडिट हम करेंगे सेल, कितनी अमाउंट से, 900 और 900, 1,000 से नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम डायरेक्टली नेट अमाउंट से ही एंट्री बनाएंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई डबल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती। सही है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा इसको उसमें भी देखें डिटेल में, तो ट्रेड डिस्काउंट की डबल एंट्री इसलिए नहीं बनती क्योंकि एक बहुत इमटीरियल अमाउंट होती है, बहुत छोटी अमाउंट होती है, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं होती। ओके, सही है। अब उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट को आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो है सेटलमेंट डिस्काउंट, जो मेन यहाँ पे चीज़ हमने देखनी है उसका नाम है सेटलमेंट डिस्काउंट, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट में मैंने यहाँ पे क्या मतलब लिखा था, गिवन ऑन बल्क परचेजेस, मतलब कि बल्क परचेजेस पे दिया जाता है, सही है। लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, ये आपको नाम से ही चीज़ समझ आ रही है, सेटलमेंट का मतलब है कि कैश को सेटल करना। ओके, तो सेटलमेंट डिस्काउंट किस पे दिया जाते हैं, व्हेन कैश पेमेंट इज डन, व्हेन कैश पेमेंट इज डन, ठीक है, ये है सेटलमेंट डिस्काउंट। अब सेटलमेंट डिस्काउंट की मजीद भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। पहली इसकी टाइप है, इसको मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट की पहली टाइप है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, और दूसरी टाइप हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ताकि यहाँ जगह बन जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब ये बहुत आसान है चीज़ें समझनी, आपको अगर बेसिक नॉलेज है डबल एंट्री की तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड का क्या मतलब है कि हमने डिस्काउंट दिया किसी को, अलाउ करने का ही मतलब होता है ना, किसी को इजाज़त दे दी, राइट। तो डिस्काउंट अलाउड का मतलब है ऐसा डिस्काउंट जो हमने किसी को दिया। तो हमेशा याद रखें डिस्काउंट अलाउड किससे जुड़ा हुआ है, ये हमेशा सेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समझे हम दुकानदार हैं, हम शॉपकीपर हैं, अगर हमने किसी को चीज़ बेचनी है, हम अगर सेलर हैं यहाँ पे, तो
हम किसी को डिस्काउंट देंगे ना, अलाउ करेंगे, और वो हमारा एक तरह से खर्चा होगा क्योंकि हम अपना लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ याद रखें कि सेल से एफिलिएटेड होता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक्सपेंस होता है, हमेशा ये एक बिजनेस का खर्चा होता है। ओके, तो ये है डिस्काउंट अलाउड। तो अगेन इनकी एंट्री कब हो रही है, जब कैश पेमेंट हमें मिल जाती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। समझे, दो दो पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। सेल्स से क्या बनते हैं, हमारे रिसीवेबल बनते हैं, ये तो आपको पता है ना कि सेल से हमारी रिसीवेबल एंट्री बनती है। दो पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। एक पॉइंट होता है जब गुड्स डिलीवर होते हैं, गुड्स जब सोल्ड होते हैं, और एक पॉइंट होता है जब कैश हमें मिल जाता है, कैश रिसीव्ड, ठीक है। तो जो डिस्काउंट की एंट्री है वो इस पॉइंट पे होगी, कैश रिसीव्ड वाले पॉइंट पे, गुड्स सोल्ड वाले पॉइंट पे नहीं होगी। जब गुड्स सोल्ड होते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है, डेबिट रिसीवेबल, राइट। डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट हम करते हैं सेल्स, राइट। ऐसे ही है, समझे, ये थी 1,000 की अमाउंट, 1,000, ठीक है। अब लेट से एक कस्टमर है जिसको हम कहते हैं, इसकी बेसिक जो शरायत होती है ना, वो इस तरह की होंगी। मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, क्योंकि कैश सेटलमेंट के वक्त दिया जाता है ना ये वाला डिस्काउंट, ठीक है। तो लेट से एक सप्लायर कहता है कि अगर आपने 7 डेज में पेमेंट कर दी, अगर पेमेंट इज डन 7 डेज, तो मैं आपको लेट से 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो इसके साथ एक शर्त मिली हुई है, राइट, कि 7 डेज में अगर पेमेंट होगी तब ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिल सकता। अगर आपने 8th डे पे पेमेंट की तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, राइट। ऐसे ही है। तो अब कैश रिसीव्ड में जब फर्ज करें कस्टमर ने 7 डेज में पेमेंट कर दी, पेमेंट यस हो गई है 7 डेज में, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा इसको, जाहिर सी बात है। तो अब एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हम रिसीवेबल को ख़त्म करेंगे। अब रिसीवेबल उतनी अमाउंट से ख़त्म होएगा जितनी से क्रिएट हुआ होगा, राइट। तो 1,000 से रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। दूसरी साइड पे हम डेबिट करेंगे दो चीजें, कैश, और दूसरा डेबिट हम किसका करेंगे, डिस्काउंट अलाउड का। अब मैं आपको समझाता हूं मैंने डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट किया। ये देखें, एक चीज मैंने यहां लिखी है कि ये क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। हम अगर सेल कर रहे हैं कोई चीज तो हमारे लिए खर्चा है ना, हमारे लिए लॉस है ये, ठीक है। और एक्सपेंस हमेशा बढ़ता किस साइड पे, डेबिट साइड पे, एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज ऑन डेबिट साइड, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो फर्ज करें इस 1,000 पे हमें 20% डिस्काउंट मिले, मतलब कि कितने का डिस्काउंट मिले, 200 का, 200 बनता है ना इसका 20%, राइट। तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड में हम क्या लिखेंगे, 200। और जो कस्टमर हमें कैश देगा, खुद जरा सोचें कस्टमर कितना देगा हमें, 1,000 देगा या 800 देगा, 800 देगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्काउंट के माइनस होने के बाद अमाउंट देगा वो। तो डेबिट कैश हम किससे करेंगे, $800 से। तो अब आप देख सकते हैं कि डेबिट्स हमारे टोटल क्रेडिट के इक्वल हो गए, क्रेडिट भी 1,000 है, डेबिट भी टोटल 1,000 है। ओके, तो ये सारी नॉलेज है किसके अंदर, डिस्काउंट अलाउड के अंदर, ठीक है। सही है, क्लियर है आपको, समझ आ गई। जी सर, क्लियर। ओके, अब रिसीव देखते हैं, डिस्काउंट रिसीव देखते हैं। इसमें क्या है, रिसीव में क्या होता है कि जैसे ऊपर हमने देखा वो सेल्स का था, तो रिसीव किसका होगा, परचेज का। अब इसमें हम सेलर नहीं है, हम कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है। हम कस्टमर बनते हैं तभी तो परचेज करें कुछ, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड किस पे मिलता है, परचेजेस पे मिलता है। और अगर ये परचेज पे मिल रहा है तो हमेशा याद रखें ये हमारी इनकम ट्रीट होता है हमेशा, ठीक है। इट इज ट्रीटेड एज इनकम, और इनकम आपको पता है जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। अब सेम एग्जांपल समझते हैं। एक साइड पे तो क्या होता है, गुड्स परचेस्ड, दो पॉइंट्स होते हैं गुड्स परचेस्ड, और दूसरे पॉइंट पे क्या होता है, कैश पेड, कंसिडरिंग कि हम उधार पे सामान खरीदें, ठीक है। अब गुड्स परचेज की क्या एंट्री होती है, डेबिट परचेज, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट क्या होता है, पेबल, राइट, ये तो पता है आपको, ठीक है। और कैश पेड की क्या एंट्री होती है वो भी अभी देखते हैं। समझे, सेम एग्जांपल है ऊपर वाली, 1,000 की चीजें थी, 200 का हमें डिस्काउंट मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू में तो एंट्री 1,000 से ही बनेगी, ठीक है। पेबल भी 1,000 से बनेगा, परचेज भी 1,000 से बनेगी, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि कस्टमर पेमेंट किस दिन करेगा। अगेन समझे, ये वाली शर्त है कि अगर 7 डेज में पेमेंट कर दी तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, या चले इसको चेंज कर देता हूँ, 10% कर देता हूँ, ताकि अमाउंट थोड़ी सी फर्क हो जाए, ठीक है। अगर 7 डेज में पेमेंट कर दी तो 10% का डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, हम कस्टमर है यहाँ पे, ठीक है। समझे, उसने 7 डेज में पेमेंट कर दी, यस होगी। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब देखें गौर से एंट्री क्या बनेगी। क्रेडिट होगा कैश,
क्योंकि अब कैश पेमेंट हो रही है, पेएबल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लाइबिलिटी डेबिट पे ख़त्म होती है ना, राइट। और बीच में मैंने किसकी जगह छोड़ी है, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री की। अब आप मुझे बताएं, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर इनकम है तो क्या ये डेबिट होनी चाहिए क्रेडिट होनी चाहिए? जी सर, क्रेडिट होनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्रेडिट होनी चाहिए क्योंकि ये इनकम है, सही है। तो इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे बढ़ती है, ओके। तो डिस्काउंट रिसीव जो है हमारा वो हो जाएगा क्रेडिट। अब देखें, 10 का डिस्काउंट है ना, तो मतलब कि 1000 की प्रोडक्ट थी, 10% इसका बनता है 100, तो ये नेट अमाउंट इसकी कितनी बनेगी, 900, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेबल को तो 1000 से ही ख़त्म करेंगे क्योंकि जितने से अमाउंट बनी होती है उसी से ख़त्म होती है, पेबल 1000 से ख़त्म होगा, ठीक है। कैश कितने से क्रेडिट होगी, कैश हम कितना पे करेंगे एक्चुअली, वॉलेट में से हम कितना निकालेंगे, 900, 1000 नहीं निकालेंगे, सिर्फ 900 निकालेंगे क्योंकि 100 का डिस्काउंट हमें मिल चुका है। और क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, क्योंकि 100 का डिस्काउंट हमें मिल चुका है यहाँ पे, ओके, सही है। तो ये हमारी जी सर, डिस्काउंट रिसीव्ड की पूरी एंट्री है। आई होप आपको क्लियर है दोनों चीज़ें, क्लियर सर, इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। और इसके क्वेश्चंस हम डिटेल में ऑब्वियसली किट से ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल्स अभी यहाँ बन नहीं सकती, क्योंकि एग्जामिनर स्टाइल क्वेश्चन जो है किट से ही हम एक ही दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, लास्ट चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट चीज़ हमारे पास है रिटर्न्स, क्योंकि रिटर्न्स भी इसी का ही पार्ट है। रिटर्न्स में क्या होता है, रिटर्न्स होता है जब सामान वापस हमें या तो मिल जाता है या कस्टमर हमें वापस दे देते हैं, ठीक है। अब रिटर्न्स दो टाइप की होती हैं, सेल की भी रिटर्न हो सकती है और परचेज की भी रिटर्न हो सकती है। इनकी एक नज़र डबल एंट्री देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो नॉर्मल परचेज की एंट्री होती है, ये तो हमने अभी देखी है, बहुत दफ़ा देखी हुई है। तो ये एंट्री क्या होती है, डेबिट परचेज, और क्रेडिट हम करते हैं या तो पेबल्स या फिर कैश, ठीक है। डेबिट परचेज, क्रेडिट पेबल या फिर कैश, ये एंट्री होती है। अब परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी ये भी देख लेते हैं। अब देखें, परचेज यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, तो इस ऑब्वियसली इसका रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न, ठीक है। और डेबिट पे हम क्या लिखेंगे, हम पेबल को रिड्यूस कर देंगे। अगर उधार पे ट्रांजैक्शन हुई होगी तो पेबल कम हो जाएगा, अगर कैश पे ट्रांजैक्शन हुई होगी तो यहाँ पे हम कस्टमर है ना, देखें परचेज हो रही है ना, तो हम शॉपकीपर को वापस दे के आएंगे प्रोडक्ट, तो हमें कैश वो वापस दे देगा निकाल के। तो डेबिट कैश भी हो सकता है, डेबिट पेबल भी हो सकता है, ये परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री है, ठीक है। उसके अलावा सेल्स की भी देख लेते हैं, ठीक है। सेल्स की तो आपको पता है एंट्री क्या होती है, एक सेकेंड। अच्छा, सेल्स की होती है जी डेबिट रिसीवेबल या फिर कैश, डिपेंडिंग ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट है, सही है। और क्रेडिट हम करते हैं किसको, सेल्स को, राइट। अब अगर सेल रिटर्न है तो इस केस में क्या होगा, सेल रिटर्न में हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पे सेल क्रेडिट हो रही है ना बनने के लिए, तो ये सेल रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट सेल रिटर्न, क्योंकि इसकी एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, उल्टी बन जाएगी। और क्रेडिट हम या तो रिसीवेबल को करेंगे, रिसीवेबल को हम ख़त्म कर देंगे, या फिर हमें कैश उसको वापस देना पड़ेगा निकाल के, तो हमारा कैश इसमें रिड्यूस होएगा ना क्योंकि हमने सेल रिटर्न की है, ओके। तो ये रिटर्न्स वाला टॉपिक है, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी इसमें शामिल है, वो मैंने आपको उसी दिन समझा दिया था, उसको भी मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे चले समझा देता हूँ। ये देखें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है। अब डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट जो होता है वो कस्टमर की तरफ से सवाल होता है सप्लायर को, कि सप्लायर साहब आपने हमें गलत सामान भेज दिया है, गलत कलर आ गया, गलत साइज आ गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, या फिर सामान टूटा हुआ हमें मिला है, तो काइंडली इनकी रिटर्न एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो ये कौन इनिशिएट करता है, कस्टमर इनिशिएट्स, ठीक है। इनिशिएट्स का मतलब ये शुरू करता है, एंड सेंड टू, किसको सेंड करता है, सप्लायर को, एज अ रिटर्न रिक्वेस्ट। अगर सिंपल इसको उर्दू में समझना चाहें तो ये होता है सवाल, ठीक है। और क्रेडिट नोट क्या होता है, इसका जवाब होता है, सप्लायर का जवाब, ठीक है। तो सप्लायर हमें क्या कहेगा, ये सप्लायर इनिशिएट करता है, ठीक है। और एक किसको सेंड होता है, ये सेंड होता है कस्टमर को,
ठीक है, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द रिटर्न रिक्वेस्ट। ठीक है जी, सही है। तो ये हमारे तीनों टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, सिंपल आपने रखनी है हर चीज़ को। ठीक है, शुरू से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमने सबसे पहले डिस्कस किया सेल्स टैक्स को। ओ सॉरी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके। सबसे पहले हमने सेल्स टैक्स देखा। सेल्स टैक्स में हमने इनपुट आउटपुट डिस्कस किया। ठीक है, सेल्स टैक्स का टी अकाउंट डिस्कस किया। नोट्स आपको मैं भेज दूंगा अगर आपने नहीं बनाए। उसके बाद इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव अमाउंट हमने डिस्कस किया। सेल्स टैक्स मैंने बेसिकली हर चीज को समराइज किया है, जिससे स्टूडेंट के लिए भी चीज ज्यादा हावी ना हो उसके ऊपर, ठीक है, उसके लिए मुश्किल ना बने और कॉन्सेप्ट भी कम से कम टाइम में उसको डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो एक पेज में ही हमने सेल्स टैक्स को समझ लिया। ठीक है, फिर उसकी एग्जाम्पल की हमने, उसके बाद एक ही पेज में हमने डिस्काउंट को भी तकरीबन समझ लिया। ठीक है, डिस्काउंट हमारे दो टाइप्स के थे, ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में हमेशा याद रखें कि ये बल्क परचेजेस पे, जब भी बल्क में सामान ट्रेड होता है, ठीक है, सेल परचेज होती है, तब हम देते हैं कस्टमर को या फिर हम खुद लेते हैं। सही है, और इसमें जो एंट्री होती है हमेशा नेट अमाउंट पे होती है, कोई भी डबल एंट्रियाँ रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, दूसरे टाइप पे, दूसरे पॉइंट पे हमने डिस्कस किया सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब है कि जब भी कैश पेमेंट सेटल होती है, क्योंकि सेटल का वर्ड वहीं से आया है, सेटलमेंट के वक्त जो है ये डिस्काउंट की एंट्री बनती है। ठीक है, और इसमें डिस्काउंट की एंट्री लाजिम होती है, वो रिक्वायर्ड है इसके अंदर। ओके, फर्स्ट इसमें था डिस्काउंट अलाउड, सेकेंड इसमें था डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउड में क्या होता है? अलाउड में ये होता है कि ये सेल से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि समझे हम शॉपकीपर हैं, हम दुकानदार हैं, हम अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा एक खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या है कि ये परचेज से एफिलिएटेड होता है, हम अगर परचेज कर रहे हैं, हम कस्टमर हैं यहाँ पे, और अगर ये परचेज है तो हमारी क्या होगी? इनकम होगी। ठीक है, और हमेशा याद रखें इसकी जो एंट्री है तब बनाई जाती है जब हम कैश सेटलमेंट के वक्त पे आते हैं, जब गुड्स सोल्ड या डिलीवर होते हैं तब नहीं होती। ठीक है, तब इसकी एंट्री नहीं बनती। अब इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा, कल ही मैं आपको कराऊंगा एक ही दफ़ा। ठीक है, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक्सपेक्टेशन को भी देखते हैं। जैसे कुछ सवालों में लिखा होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिस्टर ए एक कस्टमर है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने पहले डिस्काउंट लेते हुए आ रहे हैं, पहले पास्ट प्रैक्टिस उनकी यही है कि वो लेते हुए आ रहे हैं, तो इस दफ़ा भी हम एक्सपेक्ट उनको करेंगे, लेंगे वो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फिर हमारी एक डबल एंट्री बनती है। वो भी चीज़ आप इंशाल्लाह अगर आपको ये क्लियर है तो आप वो कल वाले लेक्चर में भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट्स के, सेल्स टैक्स के और ये जो रिटर्न्स हमने डिस्कस किए हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इनके सवाल इंशाल्लाह हम कल देख रहे होंगे। ठीक है अब्दुल्ला, ठीक यहाँ है तक सर। चीज़ें सर क्लियर हैं आपको? काइंडली कोई इशू तो नहीं है? जी सर काइंडली सर ओके वो एक्सपेक्टेशन है वो टेक एडवांटेज उसका भी कल कर।